Recording is on. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. दोनों स्टार्ट करते हैं. आज हम फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भौतिक जगत का मापन फिजिक्स का, क्लास 11. आज स्टार्ट करते हैं मात्रकों की पद्धतियां. हमने कल पढ़ चुके थे कि मात्रकों की पद्धतियां जो है वो तीन तरह की होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफएस. एमकेएस हमने देख लिया था कि एमकेएस में जो द्रव्यमान होता है उसको हम मापने के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम. वैसे लंबाई को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर. और समय को मापने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड. आज हम देख रहे हैं दूसरा, सीजीएस पद्धति. कौन सा है देखना, सीजीएस. वापस स्टार्टिंग से मात्रकों की पद्धति है, निकाल लो मात्रकों की पद्धति. मात्रकों की ये तीन तरह की होती है, हमने कल पढ़ चुके हैं. फर्स्टली सीजीएस या एमकेएस को फर्स्ट बोल लेते हैं. एमकेएस जिसे बोलते हैं हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड. इस पद्धति के अंदर, इस पद्धति के अंदर लंबाई का मापन जो होता है होता है मीटर. इस पद्धति के अंदर लंबाई का जो मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मीटर. के अंदर द्रव्यमान का मापन इस पद्धति के अंदर लंबाई का मापन मीटर, द्रव्यमान का मापन हो गया किलोग्राम. मीटर को कितने हो गया किलोग्राम को कितने हमने समय का मापन से. मात्रकों की तीन पद्धतियां होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफएस. एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड. लंबाई का मापन के लिए हम मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान का मापन के लिए किलोग्राम और समय का मापन के लिए सेकंड. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मात्रकों की पद्धति में दूसरी होती है सीजीएस. कौन सी, सीजीएस. सीजीएस में कौन सी हुई, सेंटीमीटर. सी मतलब सेंटीमीटर, जैसे वहां मीटर था यहां हो जाएगा सेंटीमीटर. जी का मतलब हो गया ग्राम और समय एस का मतलब हो गया सेकंड. है ना, जैसे एमकेएस था मीटर किलोग्राम सेकंड, वैसे सीजीएस है अपनी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. यहां लंबाई का मापन के लिए पहले मीटर था, जहां क्या हो जाएगा सेंटीमीटर. जहां मीटर था वहां सेंटीमीटर हो जाएगा, जहां किलोग्राम था वहां ग्राम हो जाएगा. समय का एक ही मापन है, कौन सा, सेकंड. देखें लंबाई का मापन हो गया यहां सेंटीमीटर. द्रव्यमान का मापन हो गया कौन, ग्राम. इसे कितने किलोग्राम था या है ग्राम. समय का मापन हो गया सेकंड. लास्ट थर्ड हमारी इसे बोलते हैं एमपीएस पद्धति, यानी बोले ब्रिटिश पद्धति. इसका दूसरा नाम ये भी है, कौन सी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति. इसका नाम फुल फॉर्म देखें, एम का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और समय एस का मतलब होता है सेकंड. देखें एम मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेम. याद रखें सीजीएस फर्स्ट जो होती है वो लंबाई का मापन के लिए काम देता है. सेम यहाँ पर फुट जो होता है वो लंबाई के लिए होगा, पाउंड जो होगा वो द्रव्यमान के लिए होगा और सेकंड जो होगा वो समय के लिए होगा.
देखिए लंबाई का मापन के लिए हम एफपीएस में क्या यूज करेंगे, फुट। द्रव्यमान का मापन के लिए यूज करेंगे पाउंड, और समय के मापन के लिए करेंगे हम सेकंड। समय का जो मापन किया जाता है क्या व्यक्ति है उसमें, ठीक है। तो एमकेस दे दिया हमने, दूसरा देख लिया सीजीएस, तीसरा देख लिया टेम्परेस। हमें इनको चेंज करना भी आना चाहिए। जैसे एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और सेकंड पर सेकंड रहने वाला, या एक नंबर से ऐसे बोल सकते हैं, एक घंटे बराबर होता है 60 में और एक मिनट में होता है 60 सेकंड। एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि चेंज करना पड़ रहा है किलोग्राम को ग्राम में। वैसे एमपीएस हो गया। अब ये हमें पता होना चाहिए कि लंबाई का मापन क्या होता है फुट, द्रव्यमान का मापन क्या हो गया पाउंड, और समय का मापन क्या हो गया सेकंड। लंबाई का मापन हो गया फुट। अब एक फुट बराबर हमारे दिमाग में आना होगा, सर बताइए कि एक फुट बराबर कितना होता है, सेंटीमीटर में या मीटर में बोले। तो एक फुट बराबर जो होता है, एक नॉट होती है एक फुट बराबर, उदाहरण ऐसे बोल दीजिए क्या है, एक फुट तो लंबाई के लिए होता है 0.3048 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर चाहिए तो 100 से गुणा कर ले 0.48, और एक पाउंड बराबर जो द्रव्यमान का मापन होता है, तो पाउंड बराबर वो कितना होता है 0.4535 ग्राम में चेंज करेंगे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दे ग्राम में चेंज हो गया। तो फुट का मतलब इतना सेंटीमीटर इतना मीटर होता है, पाउंड का मतलब इतना मीटर होता है। ये होगी मात्रकों की पद्धतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व की पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स, बोलते हैं एसआई यूनिट्स। ये भी इसमें तीन तरह की पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्र, दूसरा हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के युग्मन मात्र, लास्ट थर्ड पढ़ेंगे हम पूरक मात्र, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के कितने मूल मात्र होते हैं, ये जो मूल मात्र हमारे कोर्स में देखे सात तरह के, सात तरह का होते हैं, उन सातों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, हर साल आता है, टेस्ट में आएगा, हाफली में भी आएगा, एनुअल में भी आएगा, कि सात मूल मात्र कौन कौन से होते हैं, या कोई एक मात्र एक पूछेगा उसका हमें मात्र बताना होगा। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मूल मात्र, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मूल अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मूल, ये कितने प्रकार के बताया कि सात, कौन कौन से लिखता जा रहा सात सात लिखते जा रहा। पहले हम बात किसे लिखेंगे मात्र, सबसे मूल होते सात तरह के होते हैं, फर्स्ट लेके कौन सा, फर्स्ट है मूल मात्र,
लंबाई जो हमने मूल राशि का उदाहरण दिखाया था ना, वो मूल राशि यही है सात तरह की लंबाई का बात था दूसरा है निर्माण का मार्ग निर्माण तीसरा है सभी का मार्ग वही अभी अभी पहले ही पढ़ा है मातों के ऊपर में है ना वही चीजें लिखी हो अपना ध्यान है विद्युत धारा का मार्ग विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है कितने हमने सारा टाइप और लिखा हुआ होगा लेकिन ग्यारह तरह से कि कौन पास है लंबाई का मात्रक मीटर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम सभी का मात्रक सेकंड विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर और ताप का मात्रक हो गया केल्विन है ना दादा जी साथ में सिक्स सिक्स साइड में क्या है निर्वात को लेना इसको डालो सिक्स ताप हो गया आप देखते हैं सिक्स वाला पदार्थ की मात्रा का मात्रा जो होता है लास्ट सेवन पदार्थ की तीव्रता का मान कैंडेला सी स्मॉल डी कभी कभी इसके सिंबल भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश की तीव्रता का मान बताइए तो उसका सिंबल भी बताइए कैंडेला सी ओ डी मोल एम ओ एल तो ये सात तरह के मूल मात्रक है हमारा ये मूल मात्रक है मतलब मूल मात्रक क्या होती है मूल राशि क्या होती है कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती क्या कहलाता है मूल राशियां उन्हीं मूल राशियों के उदाहरण के में देखते हैं हम मूल मात्रक ये वो मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते तो सात तरह के मूल मात्रक तो दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हमने बोला था व्युत्पन्न राशियां भौतिक राशि क्या था वो कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न की जाती है तथा उन पर निर्भर करती है वो कहलाती है कौन सी व्युत्पन्न राशियां उसी व्युत्पन्न राशि से हम मूल व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं कैसे देखते हैं चलो उतारो आराम से मजे से पढ़िए फिजिक्स साहब प्यार से पढ़े मजा आएगा समझ तो भी पढ़े अभी तो सब कुछ पढ़ने को नया है ना कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन कुछ चीजें नई भी आएगी अभी तो स्टार्टिंग है फिजिक्स क्या है किंग ऑफ साइंस फिजिक्स क्या है किंग ऑफ साइंस तो मैंने कितना कौन कहता है जब कहता है नेक्स्ट व्युत्पन्न मात्रक
बिल्कुल बात बहुत सारी बात है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सारा मूल मात्र दो जो हमारे वो याद कर लेंगे, उसके अलावा जो भी बचता है वो किसके अंदर आता है, इसमें आएगा व्युत्पन्न मात्र। देखेंगे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ कि है क्या। जैसे हम बात कर सकते पहले वे क्या था, हमने पढ़ा है विस्थापन बोले, जिसका मात्र का वेग है, और समय बोले जिसका मात्र का समय, ये हो गया न्यूटन का। तो ये किसने बनाया, ये किसका मापन है, लंबाई का मापन, ये किसका मापन है, समय का मापन। तो लंबाई और समय के मापन से हमने क्या बनाया, वेग। ये दोनों हमारे मूल राशि है, इन दोनों मूल राशि से हमने क्या बनाया, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का क्या मापन है, मीटर पर सेकंड। ऐसा एक और देखिए, तब क्या बनाया, वेग बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय बटे, यहां क्या बन गया, विस्थापन का हमें पता है मीटर, फिर समय नीचे आ जाएगा एस इंटू एस, क्या बन गया हमारा मीटर पर सेकंड। देख सकते हो यहां विस्थापन, अगर वेग क्या है, व्युत्पन्न मात्रा है, व्युत्पन्न राशि है, यहाँ पर वेग क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। समय क्या है, मूल राशि। तो हमारे क्या हमारा व्युत्पन्न। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी, देखो क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि दो व्युत्पन्न राशियों का अनुपात, दो व्युत्पन्न राशियों का अनुपात व्युत्पन्न राशि हो सकती है या होती है, लेकिन दो मूल राशियों का अनुपात मूल राशि नहीं होती है। क्या बोला हमने, दो मूल राशियों का अनुपात मूल राशि नहीं होती, क्या होती है, वो व्युत्पन्न राशि होती है। तो ये याद रखें कि दो मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां बन सकती है, लेकिन दो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियां नहीं बन सकती, मतलब विलोम जो है उसका सत्य नहीं है, ठीक है ना। चलो हो गया, कुछ एक और एग्जाम्पल दें, बल क्या होता है, हमने पढ़ा एफ इक्वल टू बल इक्वल टू एफ द्रव्यमान इक्वल द्रव्यमान, हमने बोले एफ को लिख देते हैं एफ, और ये क्या होता है फादर इक्वल टू मां, अभी क्या ही याद रखना है ना, फादर इक्वल टू मां। तो द्रव्यमान में क्या होता है, किलोग्राम, और द्रव्यमान का क्या होता है, अभी देखा हमने मीटर पर। इसको दूसरा नाम ये भी है, बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे व्युत्पन्न मात्रा आगे जाएंगे, हम ये याद रखेंगे कि सात मात्रा के हमारे मूल और दो है हमारे पूरक, इसके अलावा जो भी बचे हैं बस ये फिर हम करते हैं पूरक मात्रा को। लास्ट है पूरक मात्रा, कितने होते हैं, समतल को इसका पादक होता है रेडियन, दूसरा है घनकोण,
देखो इसका मतलब होता है इसके लिए ऐसा तो है बस और सात मूल मार्ग बाकी हम ये सीखेंगे कल कि विमान कैसे बनाते हैं, विमान कैसे बनाई जाती है। तो हल्का से याद रखें कि मूल भाषा कौन सी होती है वो उनके वाचक क्या क्या है बस। उसके बाद जो हमने अभी तक सूत्र पढ़ चुके हैं जैसे बल का सूत्र क्या होता है, संवेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, वो हमें सूत्र याद होंगे और सूत्र के माध्यम अगर हमें याद है उनसे हम विमान बड़े आसानी से बना लेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आज आप जाके यही करें कि सारे सूत्र जो जो हमने 9th क्लास में 10th क्लास में जहां भी लिखे या बुक हमारे पास से 11th की उसमें सारे सूत्र लिखे हुए एक टेबल बनी हुई वहां लिख देना कि सारे सूत्र याद कर लें। आगे जो विमान लिखी हुई है वो ना देखें, वो बनाना मैं सीखा तो उसमें क्या है देखो देखा मैं जो तुम्हारे 11th क्लास में M L T के लिए M के अंदर जो आएंगे वो है सारे ब्रह्मांड वाले जिसका भी मात्र की होगा M को है ब्रह्मांड के लिए जिसका मात्र क्या हो किलोग्राम उसको M से बताएंगे। किलोग्राम हो सकता है ग्राम होगा तब भी M ही लिखता है हम किलोग्राम बोले या फिर L L वहां होगा जहां बात करेंगे लंबाई की मांग लंबाई के मांग पर हो सकता है कौन हो मीटर हो सकता है या हो सकता है सेंटीमीटर। सो जहां से देखे कि वही चीजें हैं मात्रात्मक पद्धतियां एक दूसरे से लिंक है। पहले हमने मात्रात्मक पद्धतियां देखी उसमें देखा था कि किलोग्राम ग्राम में एमकेएस पद्धति होती है सीडीएस पद्धति होती है बनाना जहां भी मात्रा किलोग्राम हो या द्रव्यमान का मापन हो वहां यूज करेंगे एम। जहां भी लंबाई का मापन करना हो जहां भी मीटर हो सेंटीमीटर हो वहां यूज करेंगे हम एल। जहां भी समय की बात होनी हो सेकंड की बात होनी टाइम दे रखा हो वहां बात करेंगे हम टी। तो हमें यही याद रखना है एम एल और टी ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो कल हम क्या पढ़ेंगे विमान पढ़ेंगे विमान बनाना सीखेंगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल हमें सारे सूत्र याद करके आना जो बुक में लिखे हुए हैं टेबल बनी हुई है सारे याद करके आना विमान कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। थैंक यू।